Ebenezer von Themmel. रायका, अभी तक उठी नहीं आप? पौने सात हो चुके हैं और आज रिजल्ट डे है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अह्याना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। अल्लाहुम्मा अंता हसनता खल्की फहसिन खुलुकी। स्पेशल डे रिजल्ट डे। रायका, फिर क्या रिजल्ट आ रहा है आपका? मैं तो क्लास में फर्स्ट आऊंगी। आराम से रायका, आज तो आपको ज्यादा ही एक्टिव नजर आ रही हैं। आज तो आप रिजल्ट डे की वजह से टाइम पर उठी हैं। मैं तो हर रोज ही टाइम से उठती हूँ, क्योंकि टाइम की पाबंदी करना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोजाना सुबह जब सूरज तुलू होता है तो उस वक्त दिन ये ऐलान करता है, अगर आज कोई अच्छा काम करना है तो कर लो, आज के बाद मैं कभी पलट कर नहीं आऊँगा। हमारा दीन इस्लाम हमें वक्त की पाबंदी सिखाता है, जैसे पाँच वक्त की नमाजें हैं। हर नमाज का एक खास वक्त है। एक माँ के फर्ज रोजों के लिए भी रमजान शरीफ का महीना खास है, और हर साल रमजान शरीफ में रोजे रखे जाते हैं। इसी तरह हज के दिन खास हैं, कुर्बानी के भी मखसूस डेज हैं। ये सब चीजें हमें वक्त की पाबंदी सिखाती हैं और हमें एक टाइम टेबल के मुताबिक लाइफ गुजारने का दर्स देती हैं। जी बिल्कुल गुलाम रसूल भाई। ब्रेक टाइम में फिजिकल हेल्थ को अच्छा करने के लिए सब बच्चे मुख्तलिफ गेम्स खेल रहे हैं, और यहाँ मुकाबला है रायका और रामीन का अरीबा और बरीना की टीम से टग ऑफ वॉर में। तो जो अपनी तरफ रस्सी खींच लेगा वो ये गेम जीत जाएगा। जी बिल्कुल, ये गेम तो मैं ही जीतूंगी। इतना ज्यादा ना बोलें, कहीं उलट ही ना हो जाए। मैं ही जीतूंगी, मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। इतना ज्यादा गुरूर नहीं करना चाहिए। तो गेम शुरू करते हैं। यस, 1 2 3। बरीरा, आप भी जोर लगाएं। लगा तो रही हूँ, अब किसी से जोर नहीं लगना। यस, आज के गेम रायका और रामीन जीत चुकी हैं। देखा ना, मैं जीत गई हूँ और अब मैं क्लास में फर्स्ट आऊंगी, तो आप लोगों को और तकलीफ होगी। रायका, अपनी जीत पर इस तरह गुरूर नहीं करना चाहिए। अल्लाह पाक गुरूर करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। रिजल्ट तो सब स्टूडेंट्स के ही अच्छे आए हैं, मगर जिस स्टूडेंट ने क्लास में पोजीशन हासिल की है वो है अरीबा। कोई बात नहीं रायका, रिजल्ट में तो कोई भी फर्स्ट आ सकता है, मगर जिस तरह आप गुरूर कर रही थी ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसके दिल में राय के दाने जितना यानी थोड़ा सा भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल ना होगा। यानी गुरूर और तकब्बुर करने वाले से अल्लाह पाक नाराज होता है। जी बिल्कुल। जी आपी, मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। और अरीबा और बरीरा, मैंने आपको मुंह चिढ़ाया, इसके लिए सॉरी। इट्स ओके। माशाल्लाह।